चलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स पे लिखो, आवाज आ रही है आप सभी को। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक चैनल पर एंड वेरी गुड इवनिंग। चैप्टर बड़ा ही डिफिकल्ट है, ऐसा चैप्टर है शायद आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन सोल्व ना हो आपसे अभी, ठीक है, बट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ ही रहा है यार क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन मिलना है ही है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। आवाज आ रही है सभी को? ऑल ओके है ना? तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फेमस प्लेयर्स, जो जो कोई पर्टिकुलर, जैसे कोई वीणा बजा रहा है, ठीक है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, ठीक है ना, तो जितने भी बजाए जा रहे हैं वो सभी सभी चीजें जो है पता होनी चाहिए कि भैया किसके द्वारा बजाया जा रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कमेंट बॉक्स में सभी लिखना, आप में से किसी को कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, किसी ने बचपन में बजाया हो कुछ, तबला, वीणा, मृदंगा, गिटार, वोलिन, ठीक है, बंदे, चलो बोलो सर। हमने कुछ नहीं बजाया है, जिंदगी हमारी बैंड बजा रही है फिलहाल, है ना, कुछ मतलब रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है, पेपर दे रहे हैं अभी कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है, जिंदगी हमारी बैंड बजा रही है, तो उसमें सभी बज जाएगा, फ्लूड, गिटार सब बज रहा है, सारे तरीके के म्यूजिक सुनाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टॉपिक पढ़ोगे तो ये जिंदगी जो बैंड बजा रही है ये बजना कम हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना, एक ये बड़ा सरप्राइज आपको CHSL के बैच के दौरान मिलेगा, जब लॉन्च होगा 21 तारीख को रात को 8 बजे, सरप्राइज अच्छा है, वो यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम, अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना, सारे बैचेस हैं, इलेक्शन पर सिलेक्शन सेल लगी हुई है, अमनदीप कोड यूज करो, ठीक है, और फायदा उठाओ, ठीक है, तो ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, जल्दी से एक बार ये लिखना। आज टॉपिक थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि टॉपिक छोटे होने का कारण क्या है कि भाई लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन सारे पढ़ लेने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सुंदर राम बालचंद्र जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, बताइए अब आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। पहली बात तो सुंदर है, भगवान राम का नाम आ रहा है, बाल भी मतलब छोटे, ठीक है, चांद भी, ठीक है, बड़ा कुछ आ रहा है, ठीक है, इनके नाम में। अब ये कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते होंगे, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बड़ा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, डेफिनेटली कईयों को नाम नहीं पता होगा कि भाई सुंदर राम बालचंद्र कोई चंद्र कोई व्यक्ति भी है ना, इट्स पॉसिबल कि आपको ये ना पता हो, है ना। तो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, देखो ये सुंदर राम बालचरण नहीं है, ठीक है, ये कोई और है बस, लेकिन लेके क्या बैठे हैं ये बता दो, बस लेके क्या बैठे हैं ये बता दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ये मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना सरस्वती माता जी के हाथ में भी होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि भैया आपसे ना क्वेश्चन मिल सकता है, कि वीणा के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है कि भैया सुंदर राम बालचंद्रन जो है वीणा जो है इसको प्ले कर, वीणा। अभी एक बच्चे ने कह दिया घतम, ठीक है, घतम और वीणा में फर्क है, यही तो सवाल फंसेंगे, ऐसे ही तो फंसेंगे आप, घतम और वीणा में से घतम भी दे देगा, वीणा भी दे देगा, ठीक है, आप लगा के घतम आ जाओगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, घतम और आंसर में काम खत्म, ध्यान रखना इस चीज का, वीणा घतम इन सब में बड़ा फर्क है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते, कह रहा आरपी शास्त्री, आरपी शास्त्री क्या बजाते होंगे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आरपी शास्त्री इसमें से क्या बजाते होंगे, ठीक है, तुक्के मार लो भाई, कुछ नहीं आता तो ठीक है बैंड लिख दो, कुछ नहीं आता तो मतलब अगर जहां पे आपको आंसर नहीं पता ना कि भैया मेरे को नहीं पता आरपी शास्त्री क्या बजाते हैं, तो वहां पे आप बैंड लिख दो, क्योंकि बैंड तो बज ही रहा है, सभी का बज रहा है, तो बैंड तो एटलीस्ट बज ही रहा है, तो बैंड लगा देना जहां पे आपको आंसर नहीं आता, लेकिन कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, आरपी शास्त्री क्या बजाते होंगे, ठीक है, तो भैया नहीं पता गई हो कि वे आरपी शास्त्री क्या बजाते हैं, ठीक है, चलो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको कुछ ईमेल दिखाता हूँ, चलो ये क्या है बताइए, बड़ा आसान है ये, इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही एटलीस्ट पता चले कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है, अब जैसे ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, ठीक है ना, बड़ा स्मूदी सा लगता है, ऐसा लगता है कि भैया जो ये बजाने वाला कितना कलाकार आदमी होगा, ठीक है ना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, उसमें भी यही बजा रहा होता है शायद, है ना, और भी बहुत सारे गाने हमने हिंदी बॉलीवुड मूवी में देखे हैं जिसमें हीरो यही बजा रहा,
लगा हुआ बजाने में, है ना। तो भैया ये जो है वायलिन है, ठीक है, ध्यान रखना वायलिन। इस क्वेश्चन का आंसर आरपी शास्त्री क्या बजा रहे हैं, ठीक है, वायलिन बजा रहे हैं, ठीक है, खूब बढ़िया से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आसान है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता, बड़ा सिंपल सवाल है। आप चाय पत्ती कौन सी यूज कर रहे हो घर में? घर में मैं बड़ा सिंपल सा पूछिएगा, सर ये फालतू की बातें ना करो, ठीक है, पढ़ाने में ध्यान दो, ठीक है, इधर उधर भटकते हो आप। चाय पत्ती का नाम बताओ, बता सकते हो तो सभी बता दोगे, कोई बाघ बकरी, कोई ये कोई वो, कोई पता नहीं फलाना कोई ढिकाना, ठीक है, कोई ताजा है, कोई माजा है, पता नहीं महारानी है, टाटा है, ठीक है, सब चल रहा है, वह ताज। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, जाकिर हुसैन जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे? बड़ा आसान है, जाकिर हुसैन कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, जब से इन्होंने तबला बजाते हुए चाय पी है, ठीक है ना। तो भैया आंसर इस क्वेश्चन का तबला है। तबला किसने बनाया था, मतलब तबला बनाने वाले वाताद जो है जाकिर हुसैन को ना, ये जाकिर हुसैन जी पे अभी फिलहाल में 2023 में एक सम्मान मिला उनको रिपब्लिक डे पे, इस वजह से भी जाकिर हुसैन जी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, जाकिर हुसैन जी पे क्वेश्चन आ सकता है, तबला बजाते बजाते उन्होंने ले लिए सम्मान, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इसका, आमिर खुसरो के द्वारा तबला जो है बनाया गया था, सितार और तबला, ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आमिर खुसरो ने, ठीक है, लाए थे, बनाए थे, तबला और सितार, ठीक है। तो जाकिर हुसैन पे क्वेश्चन आता है, जाकिर हुसैन जी पे। पंडित गोपाल कृष्ण जी बताओ क्या बजाते हो? बेकार पंडित है, बड़ी विचित्र बात है कि वीणा के चार उदाहरण दे दिए, है ना। अब गोपाल जी कौन सा बजा रहे हैं बताओ, पंडित गोपाल कृष्ण जी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट है? वीणा के भी उदाहरण है, विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, मोहन वीणा, ठीक है, ठीक है, पता ना कौन कौन से वीणा। आप इसमें से क्या आंसर लगाएंगे? एक बच्चा कह रहा है सर उन्होंने तबला बजा के अवार्ड लिया है, हम अपनी बैंड बजा के लेंगे। बेटा बैंड में जाके अवार्ड तो ले लोगे, लेकिन समय ज्यादा ना लग जाए, ठीक है, ऐसे रुद्र वीणा लगाते रहे ना तो समय ज्यादा लग ही जाएगा, क्योंकि ये बड़ी विचित्र बात है कि भैया पंडित गोपाल कृष्ण जी विचित्र वीणा जो है बजाते रहे, ठीक है, जीवन भर इन्होंने बजाया विचित्र वीणा, ठीक है ना। तो भैया मैं ना मतलब विचित्र बात मैं सोचता हूँ कि भैया इसको याद कैसे करूँ, ठीक है, मान लो पेपर में आया हमें याद नहीं आ रहा, विचित्र बात मेरे को ये लगती है कि एक वो नहीं होता, इंग्लिश में एक कंसेप्ट होता है सुपर फ्लोस का, ठीक है ना, सुपर फ्लोस का कंसेप्ट होता है, जिसमें एक वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा होता है दोनों सेम ही मीनिंग के होते हैं, विचित्र बात होती है कि भैया डबल मीनिंग कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जो आ रहा है वो सेम मीनिंग का है ना। उदाहरण के तौर पे कुछ भी हो सकता है, उदाहरण के तौर पे ये बड़ी विचित्र बात है कि इन्होंने सुपर फ्लोस रखा हुआ अपने नाम में, गोपाल भी और कृष्ण भी, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही नाम, विचित्र बात, बहुत विचित्र बात, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना भाई ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में बत्ता मिले, ठीक है ना, जैसे कजन सिस्टर, और भी बहुत सारे सुपर फ्लोस के उदाहरण है। मैं जब इंग्लिश पढ़ने बैठता था मेरे को सबसे पहला चीज जो सीखने को मिली यही मिली, ठीक है, बैक रिटर्न, ठीक है, कजन सिस्टर, ये सब चीजें। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा पंडित जनन प्रकाश घोष जो है क्या बजाते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पंडित जनन प्रकाश घोष जो है क्या बजाते हैं, ठीक है। अब जैसे अब ये वाला ये बात है कि पंडित जी, ठीक है, जनन भी है प्रकाश भी है, ठीक है ना, जनन मतलब कोई चीज जो है जगने वाली, प्रकाश उजाला, ठीक है, तो भैया दो चीजें हैं, दो ही नाम है, दो ही चीजें बजा दे रहे हैं, ठीक है, तबला भी और हारमोनियम भी बजा दे रहे हैं, ठीक है, तबला भी बजा दे रहे हैं, हारमोनियम भी बजा दे रहे हैं, नाम बड़े ज्यादा नहीं है, याद कर सकते हो, करने की कोशिश करो, विचित्र बात को याद कर लिया, जाकर उसे पता है, आरपी शास्त्री भी जो है पता चलना चाहिए, ठीक है, वर्ड एटलीस्ट पढ़ो, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो है बी और सी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त। एक और क्वेश्चन देखिए, उमल्लपुरम के शिवरमन बजाते क्या हैं? हमको तो नाम ही नहीं समझ आ रहा है क्या बजाते हैं, उमल्लपुरम के शिवरमन क्या बजाते होंगे, ठीक है, दिमाग तो नहीं खराब हो रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आता ये जो गम है इसको संभालो, ठीक है, शिव
रमन, ये जितने भी बच्चे हैं, राम, उमा, कितने नाम है वैसे? बाय गुड, इसमें एक ही नाम में उमा भी इधर ही लिखा हुआ है, ठीक है? राम भगवान भी लिखा है, शिवा भी लिखा है, राम रमन भी लिखा है, पता ही बहुत सारे नाम लिख दिए। आंसर है इस क्वेश्चन का क्या? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, ठीक है बताओ ये क्या है, जल्दी से बताओ। मतलब एक मूवी थी, गोविंदा की मूवी थी, गोविंदा की मूवी थी, उसमें गोविंदा का डबल रोल था और उसमें उसके साथ उसका एक दोस्त यारी था जिसका नाम था मुत्तू स्वामी। मुत्तू स्वामी साउथ इंडियन कैरेक्टर, मुत्तू स्वामी, मुत्तू स्वामी, ओए मुत्तू स्वामी, ठीक है? वो मुत्तू स्वामी जो है गले में ये लेके घूमता रहता था। ये ढोलक नहीं है मेरे भाई, ढोलक नहीं, मृदंगा इसको हम कहते हैं, ठीक है? इसे मृदंगम कहते हैं, ठीक है? बेसिकली जो सही चीज है ढोलक, हम इसमें वर्ड इतना यूज नहीं करते, आमतौर पे मृदंगम यूज करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में मृदंगम कहते हैं, ठीक है? तो भैया जो मुत्तू स्वामी है साउथ इंडिया का है, उमा पुल्लर, ठीक है, उमा उमाय पुरम के शिवरमन भी साउथ इंडिया के हैं, तो ध्यान रखना मृदंगम ही बजाते होंगे, ठीक है? थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा कोशिश करो, रिलेट करो, बिकॉज न्यू टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। 9 बजे, 9 बजे कभी चैप्टर खत्म नहीं हो सकते, 9 बजे चैप्टरों की बाहर ही रहती है, ठीक है? जिस भी चैप्टर को पढ़ना है 9 बजे पढ़ो। पंडित शिव कुमार शर्मा सबसे फेमस नाम है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है? त्वचा कुछ और निखारे, संतूर संतूर, ठीक है? आपका चेहरा मेरे लिए लकी है, ठीक है? तो भैया बस इन्हीं का चेहरा ही देख के पेपर लेने चले जाना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? वैसे भी समटाइम्स हमें जो हम उस कैटेगरी में, NN कैटेगरी में चले जाते हैं, तो हमारे लिए यही चीज लकी हो जाती है, ठीक है? पेपर देने से पहले, पेपर एग्जाम हॉल में घुसने से पहले वीडियो कॉल कर देते हैं कि दिखाओ अपना चेहरा, नहीं तो पेपर अच्छा ना हो पाएगा, है ना? समझ रहे हो, NN वाली कैटेगरी है ना? आप में जाए कोई इस कैटेगरी में, कभी ना हो पाएगा फिर तो तुम्हारा दिमाग पेपर हॉल में घुसने से पहले वहां पे है, तो पेपर में क्या ही करोगे। चलो ये जो है आपके सामने जो पेश किया जा रहा है, ये है संतूर संतूर, ठीक है? तो ये संतूर है, बड़ा मुश्किल होता होगा बजाना, ठीक है? तो ये जो संतूर है, यही जो है शिव शिव कुमार शर्मा जी के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है? अच्छा, संतूर कोई और भी बजाता है क्या? बड़ा फेमस नाम है, ठीक है? कोई और भी बजाता है क्या संतूर? कमेंट करो, जल्दी से बताओ कि संतूर कोई और भी बजाता है क्या, जल्दी से बताना। कोई और, एक बच्चे ने बताया विष्णु शर्मा, एक बच्चे ने बताया राहुल शर्मा, यानी कि भजन सोपरी बताया एक बच्चे ने, एक बच्चे ने राहुल, भजन सोपरी जिसने बताया वो तो ठीक है, आम जनता है, जिसने राहुल शर्मा बताया है ना, वो आम नहीं है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। इस क्लास के बहुत ज्ञानी बच्चों में से एक है जो राहुल शर्मा बता दे रहे हैं, ठीक है? राहुल वैसे भी नाम ऐसा ही है, राहुल बुरा मत मानना कोई भी अगर हो तो। राहुल शर्मा भी जो है संतूर के फेमस जो है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, ठीक है? ध्यान रखना, राहुल शर्मा नाम से ही समझ आ रहा है, राहुल का कैरेक्टर ही ऐसा रहा है, लोगों ने नाम ही राहुल लिखना छोड़ दिया, कि नहीं राहुल नहीं लिखेंगे भाई, फंस जाता राहुल बहुत जल्दी, है ना? चलिए एक ही बात, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े, संतूर के बाद आगे बढ़ते हैं, ये आसान पे आएंगे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ठीक है? सभी को पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये चीज पता है कि, ठीक है, कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी के द्वारा क्या बजाया, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज सरल है कि भाई सभी को पता है कि शहनाई है इनको, लता मंगेशकर जी को, सचिन तेंदुलकर जी को, सभी को एक साथ दिया गया था। ठीक है, वैसे भी सबकी बस्ती है, शादी की शहनाई है ना। चलो, कौन कौन चाहता है कि आपकी शादी की शहनाई बजे? उस्ताद बिस्मिल्ला खान तो आ नहीं सकते, बाकी कोई आम कोई व्यक्ति जो हो, बहुत कलाकार ज्यादा ना हो, फिर भी आके बजाए, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, नहीं असलियत में तो भैया सभी चाहते, ठीक है ना? हाँ मैं चाहता हूँ, कितनी जल्दी मैं चाहता हूँ, ठीक है? कितना क्रेडिट होता है तुम्हारा, एक दिन, एक महीने के आखिर में कुछ आता है क्या?
आता है क्या कुछ? पढ़ाई कर लो, नौकरी नहीं लगी, कुछ भी नहीं आता तुम्हारे पास अभी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है शहनाई, इस क्वेश्चन का आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए है ना। चलो इसी बात पे, अमजद अली खान, फिर को ना अमजद अली खान देख के ना लगता है गब्बर की बात हो रही है। आप में से किसी को लगता है कि अमजद अली खान देख के शोले पिक्चर के गब्बर की बात हो रही है? अमजद अली खान, मैं एक बारी को सर्च करने बैठ गया कि भैया अमजद अली खान है कौन सच में, है ना। मतलब गब्बर पिक्चर का जो, मतलब शोले पिक्चर का जो गब्बर है, मेरे ख्याल से उनका नाम भी कुछ अमजद अली कुछ नाम है, मेरे दिमाग में कभी कभी आता, ठीक है ना। तो मैं ये देख रहा है यार, गब्बर ये बजाता हुआ अच्छा लगेगा, गब्बर ये बजाता हुआ अच्छा लगेगा। ठाकुर के साथ लगा हुआ है चलेगा, ठीक है, सांबा के साथ लगाओ चलेगा, लेकिन ये बजाता हुआ अच्छा लगेगा। लेकिन ये वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा देखो वही चीज है, ये वीणा नहीं है, अब ये सरूद है, ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको मिल सकता, ठीक है ना। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ये, आप ध्यान भी रखना, अमजद अली खान बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हाँ भाई मेरे को भी पता अमजद खान है, थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है ना। मेरा नाम अमन है, किसी का नाम अमनदीप है, सॉरी, मेरा नाम अमनदीप है, किसी का नाम अमन है, मिलता जुलता तो है ना। समझ रहे हो, फीलिंग फील करे करो बातों को यार, दिल पे ले जाते हो सारे सारे। पंडित रविशंकर, बहुत क्वेश्चन आता है भाई पंडित रविशंकर जी पे, तो मतलब कुछ नाम ना बड़े फेमस है, ठीक है, स्टार नाम है, स्टार है ये, मतलब मेगा स्टार है ये म्यूजिक इंडस्ट्री के, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के मेगा स्टार में से एक है रविशंकर, ठीक है। जैसे भजन सोपरी, रविशंकर, ठीक है, इससे पहले जो हमने संतूर पढ़े थे वो संतूर वाले भी स्टार थे, ठीक है, तो रविशंकर तो है स्टार, ठीक है, रविशंकर तो है स्टार। देखो वैसे भी दिमाग में आता है सितार, मतलब स्टार जैसा समझ लो नाम से, और रवि सन समझ लो, सन इज ऑल्सो स्टार, तो आंसर स्टार, याद रखो स्टार, समझ रहे हो। चलिए तो ये रविशंकर सितार तो आपको सभी को पता भी होगा दिखने में कैसा है सितार, क्या होता है, ठीक है, भारत रत्न मिला था रवि नाम से, याद कर लो, ठीक है, रवि भी स्टार है, बजा भी स्टार रहे हैं सितार। वैसे सितार स्टार में फर्क है, नाम से मैं कुछ कह रहा हूँ, ये रिलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो मेरा पर्पस ना रिलेट करना होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर, ठीक है, अगर आप रिलेट नहीं करोगे तो बात नहीं बनती, ठीक है। मैं ऐसे चैप्टर करा रहा हूँ, मैं सीधा स्मूथली बस ऐसे कह दूँ, क्वेश्चन आंसर क्या कर लोगे, ठीक है ना। चलो शुभ जायसवाल आप बता दो भाई, ठीक है, जो कहानी है ना, चलो है ना। इसी बात पे उस्ताद मेरे को भी पता चले हमारी भी कोई कहानी रही है, हमें तो पता नहीं यार, है ना। उस्ताद अल्लाह राखा खान जो है, इन्होंने क्या बजाया होगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, उस्ताद अल्लाह राखा खान जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। हमने हमें लगा कि हमने तो सीधी शहनाई बजाई है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पखवाज और तबला, ठीक है। देखो बेसिकली जो है ना, जैसे उस्ताद अल्लाह राखा जो है पखवाज और तबला बजाते हैं, तो वैसे उस्ताद अल्लाह राखा खान बड़ा फेमस नाम है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेके अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पंजाब घराना, उस्ताद अल्लाह राखा खान, पखवाज और तबला, ठीक है ना। चलिए है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट, बताइए जी, अब ये पंडित जी जो है विश्व मोहन भट्ट जो है क्या बजाते, पता क्या इन्होंने क्या किया? देखो वीणा के प्रकार थे विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, ऐसे वीणा नाम थे, तो इन्होंने कहा कि मैं अपना ही बजाऊंगा, मतलब अपना ही खुद का वीणा बजाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने मोहन वीणा बजाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मोहन वीणा स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए विश्व मोहन भट्ट जो है नाम से समझ जाता है, ठीक है, कि भैया अपना ही बजा रहे, मतलब मोहन वीणा बजा रहे हैं, ठीक है, थीके? तो ये थोड़ा सा लेट हो सकता है कि भाई अपना ही बजाने में, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात है, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा, ठीक है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजता है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस एक कारण से प्रोड्यूस होता है, वो कारण क्या है, ठीक
जो भी चीज बज रही है उसके साउंड के प्रोड्यूस होने की एक ही कारण होता है। ठीक है, जो भी चीज बज रही है उसके साउंड के प्रोड्यूस होने का एक ही कारण होता है, डेट इज व्हाट, वाइब्रेशन। ठीक है, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हम साउंड वेव, लाइट वेव पढ़ने वाले, सुबह 9 बजे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इन सब चीजों को ठीक है सही तरीके से समझिए, है ना। अटल शर्मा जी, श्रीमती एंड रजाम जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, आप बताइए क्या बजा रहे हैं, कमेंट करिए। ठीक है, शुभ जायसवाल क्या हो गया? ठीक हो? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसी बात पे अगर श्रीमती एन रजाम की अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने वायलिन पढ़ा था ना, वायलिन देखा भी कि भैया वायलिन बजा रहे हैं। ठीक है ना, तो बस ये भी जो है वायलिन ही बजा रहे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए। देखो, वायलिन प्यार का प्रतीक है मेरे हिसाब से, मतलब कतई बिल्कुल प्यार भरे गाने जो होते हैं ना उसके साथ बजा रहे होते हैं। ठीक है, एक बंदा बजा रहा तो एक महिला भी होनी चाहिए बजाने के लिए, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो दो वायलिन वाले होने चाहिए। ठीक है, तभी सिस्टम सेट होगा, है ना। सर, एक क्वेश्चन बड़ा आसान है, भजन सोपरी अभी मैंने समझाया, भजन सोपरी वैसे भी बड़े फेमस है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखें। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिए। चलिए, मतलब एक ना, कई हो गए मन में ना इच्छा रहती है कि हमें गिटार बजाना आता हो, हम स्टेज में रॉक स्टार की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और सारी दुनिया देख रही है, ऐसा मतलब रहता है एक इच्छा कि भैया हम गिटार बजाना आता। ठीक है, लोग ले लेके रख लेते हैं। ठीक है, बजाना चाहना आ रहा हो, ये बड़ा मुश्किल है, मतलब ये सब चीजें ना आसान नहीं है बजाना। वैसे झोपड़ी संतूर है, इसी बात पे एक ब्रिजभूषण काबरा बड़ा फेमस नाम, और जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी फेमस ही है। ठीक है, ब्रिजभूषण काबरा, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन। सूरज तद्याल भाई, सच में आइए क्या, क्या खूब बात है यार, फिर तो आप सक्सेस हो। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई इतनी वैकेंसी भी आई थी क्या? 985, क्योंकि मैं इतना ऑब्जर्व नहीं करता हूँ। ठीक है, वैकेंसी को लेके पहले करता था ना ऑब्जर्व, अब नहीं करता हूँ। चलिए, अब इसी बात पे जो है ब्रिजभूषण जी क्या बजाएंगे। ब्रिजभूषण जी हाल फिलहाल में तो हाई कोर्ट में जाके, ठीक है, सरकार के ईवीएम जो है उसको बजा रहे हैं। देखा आपने अभी हाल फिलहाल में, मेरे ख्याल से जो भूषण जो है वकील है बड़े फेमस, उन्होंने एक रिट फाइल करी है शायद, है ना। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गिटार। ठीक है, गिटार बजा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, गिटार इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, गिटार इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, यू श्रीनिवास कम टू मी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो यू श्रीनिवास बजा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश में थोड़े चोड़ में बुला रहा था किसी को, ए यू मैन, कम एयर, कम एयर, कम एयर फास्ट। सही जा रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ, ऐसे याद करना है। ठीक है, ए यू मैन, कम एयर, कम एयर फास्ट, है ना, डोंट वेस्ट माई टाइम। तो भैया ये जो ये मैन है ये जल्दी से आ जाना चाहिए क्योंकि यू मैन है। ठीक है, मंडोलिन जो है ये यू श्रीनिवासन बता रहे हैं। ठीक है, बजाते ही जा रहे हैं। ठीक है, हमें याद करने से मतलब है। ठीक है ना, हमें याद करना, भाई याद नहीं करेंगे आप फायदा वीडियो को लेके आने का मेरे, है ना। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि हम थोड़ा बहुत याद कर ले, यू मैन, हे मैन, हाई मैन, ठीक है, यो मैन, कुछ भी कर लो, याद तो करो यार। ठीक है, सही। वैसे मंडोलिन पता है सभी को कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? देखा कभी किसी ने? मैं इसकी फोटो लगाना भूल गया। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, है ना, मैं कल दिखाऊंगा आपको मंडोलिन, मैं ग्रुप में डाल दूंगा मंडोलिन, ये देखो मंडोलिन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए, रमेश मिश्रा। अरे मिश्रा जी, बताइए रमेश मिश्रा जी क्या बजा रहे होंगे? ठीक है ना, आंसर क्या, मिश्रा बड़े खतरनाक होते हैं भाई, मिश्रा गलती से वकील हो जाए। ठीक है, एक वेब सीरीज आई, क्या बोलते हैं,
इसमें हुमा करी खुरेशी है, वो क्या बोलते हैं कौन सी वेब सीरीज रही महारानी, उसमें मिश्रा जी बड़े खतरनाक, मिश्रा जी कभी गलती से वकील हो जाए सारे जहान को बजा दे, ठीक है, मतलब कुल मिला के सारा काम मिश्रा जी खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया मिश्रा सारा कुछ कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन देखिए, आंसर है सारंगी, इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखना कि भैया सारंगी जो है फेमस, सारंगी वैसे कोमल है, ठीक है ना, सारंगी पे क्वेश्चन आ भी सकता है, रमेश मिश्रा पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अभी जैसे हमने एक विचित्र वीणा पढ़ लिया बजाने वाले गोपाल कृष्ण, एक मोहन वीणा पढ़ लिया जिनका नाम खुद भी मोहन, उन्होंने मोहन वीणा बजा दिया, अब बचता है एक और वीणा, उसे भी बजाते। चलिए बताइए आशित कुमार बैनर्जी क्या बजाते हो, कमेंट करना जल्दी से बता बेटा। देखो वैसे सूरज कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, है ना, अब तो आपको ऑफिसर कहना चाहिए, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट ग्रेट विक्ट्री। चलिए है ना भाई, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा है कि वो यूपीएससी में 985 रैंक लाया, आईआरएस कैटेगरी मिली है, कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दो भैया, हमारी क्लास में ही यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दो, एक बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन बनता भाई, है ना। चलिए आशित कुमार बैनर्जी, इसी बात पे मैंने अभी आपको बताया कि एक बिना याद रखना, ठीक है ना। तो भैया आंसर है रुद्र वीणा, ठीक है, रुद्र वीणा, है चलिए। अबे सर तो लगाओ, तुम सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो, सर भी लगाओ, या मतलब रिस्पेक्ट करो भाई, ब्रदर अंकुश, चलो मजाक कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेट करो भाई, जरूर है, बहुत जरूरी है, इतनी अचीवमेंट ली है, और क्या पता यही जो है आगे जाके रैंक अपनी और बड़ी बेहतर करे, है ना। चलिए एक और देखते हैं, है ना, ये मैंने आपको ये रुद्र वीणा से पहले इमेज मैंने दिखा दी है, मतलब ये रुद्र वीणा नहीं है भाई, इसको रुद्र वीणा मत मान लेना, ठीक है। चलो बताओ भाई ये क्या है, पहले बस ये बताओ ये क्या है, ठीक है, ये है खत्म, ठीक है, इसके बाद क्लास खत्म, नहीं ये सिर्फ खत्म है, इसके बाद क्लास खत्म नहीं है, इसे हम कहते हैं खत्म, ये कहते हैं खत्म, ये एक तरीके से ना ट्रेडिशनल आर्ट है, इसे बजाना, इसे बजाना ना ट्रेडिशनल आर्ट है जो रेयर ही लोग बजाते हैं। अभी मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि गदम किसने बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वो कराऊंगा, अभी अभी नहीं है गदम का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कराऊंगा, ठीक है, मैंने ईमेल दिखा दिए जानबूझ के कि भैया अभी एक क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में रहे, ठीक है। चलिए तो भैया उस्ताद सुल्तान खान जो है ये क्या बजाते होंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो ऐसी ही क्लासेस चाहिए जो टॉपिक भी नया हो, सीख भी पाए, ठीक है। हाँ क्या बात कर दी यार अटल शर्मा, तुमने तो दिल जले दिखा दी, दिल जले पिक्चर में क्या नाम था उसका, क्या बोलते हैं, अमरीश पुरी ने जो कैरेक्टर निभाया उसमें वो यही बजा रहा है, ठीक है, याद है किसी को, दिल जले पिक्चर में अमरीश पुरी जो है यही बजा रहा है, अमरीश पुरी का नाम क्या था उस पिक्चर में, मेरे को ये नहीं याद आ रहा, ठीक है, एक जो अजय देवगन था उसका नाम तो शाका था, ठीक है, लेकिन अमरीश पुरी का क्या नाम था ये नहीं याद आ रहा, लेकिन बजाता वो यही था, क्या बात है यार, कहाँ दूर दूर तक जाते हो, जब थे कालिया नहीं था, दिल जले नहीं था पिक्चर का नाम था, शाका नहीं था, शाका तो हीरो का नाम था, शाक शाक शाक। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद मेरे को भी नहीं याद रहा, दारा नाम था, दारा 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 कुछ नाम था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है सारंगी, उस्ताद सुल्तान खान जो है सारंगी बजाते, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अब बताइए विलायत खान क्या बजा रहे हैं, बताइए इस क्वेश्चन, विलायती स्टार है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इंटरनेशनल स्टार है, विलायती स्टार, एक हमने स्टार पहले पढ़े ना जो हमारे नॉर्मल स्टार थे रवि के साथ स्टार थे, अब भाई देखो जैसे नॉर्मल स्टार होते हैं उनके साथ इंटरनेशनल स्टार भी होते हैं ना, आई एम ए रॉक स्टार, इंटरनेशनल स्टार, ठीक है ना,
तो भैया ये विलायती स्टार है, तो यानी कि इंटरनेशनल स्टार है, सितार से याद रखो। देखो रिलेट करना है, मेन पॉइंट ये है, याद करना है। मैंने रवि को स्टार बोला, रवि जी भी जो है, रविशंकर जी भी सितार बजा रहे हैं, अब वो एक स्टार है, तो ये इंटरनेशनल वाले सितार स्टार है, विलायत वाले हैं, विलायत खान नाम है, ऐसे याद कर लिया। याद तो करना है ना, नहीं तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने से क्या फायदा, वो तो कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, है ना, समझ रहे हो? ठीक है चलो चलो, इस क्वेश्चन MS गोपाल कृष्णा, देखो एक तो विचित्र वीणा वाला गोपाल कृष्ण था, लेकिन ये MS गोपाल कृष्णा, फिर पंडित गोपाल कृष्ण के नाम से वो पहले पढ़ा था, ठीक है ना। चलते आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अरे नहीं डियर नैना ठाकुर, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं निशुल्क निशुल्क सेवाएं दे रहा हूं मैं ज्यादातर, ठीक है ना। ये तो भाई YouTube की तरफ से आना ही आना है ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब इसी बात पे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वॉयलिन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, वॉयलिन इस क्वेश्चन का आंसर है सुरेश विद्यानाथन। बताओ जी सुरेश विद्यानाथन क्या बजाएंगे? अब ये आया, ये हमारे दारा आए दिल दिल मूवी से, ठीक है। अब ये समझ लो सुरेश विद्यानाथन ही अमरीश पुरी है, ठीक है, सुरेश विद्यानाथम ही अमरीश पुरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको गतम बता दिया ना, तो भैया गतम बजाने वाला इकलौता व्यक्ति जो हमें जानना है वो ये है सुरेश विद्यानाथम, ठीक है, कि भैया ये बजाते हैं गतम, ठीक है, तो अमरीश पुरी याद रखें आप, ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट आ सकता है, गतम पे थोड़ा सा मुश्किल भी है, आता भी, ठीक है ना। नॉलेज गेन कर रहे हैं हम धीरे धीरे, हम चैप्टर्स ऐसे ऐसे लेके आएंगे, ठीक है ना। डियर मलाथी एस सर, आई एम सिलेक्टेड फेज 11 कंजर्वेशन असिस्टेंट। बेटा एक और सिलेक्शन देख लो, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। एक देखते हैं हरि प्रसाद चौरसिया, 100% पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आता ही आता है पेपर में, हरि प्रसाद चौरसिया तो वैसे ही बड़े फेमस, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो सीखो भाई, तुम सिलेक्शन लेने वालों से सीखो। देखो मैंने अपने अपने एंड से सिलेक्शन लेने वालों के डिटेल्स डालना, रिव्यूज डालना सब छोड़ रखा है, ठीक है, मैं इन सब मोहमाया से ऊपर उठ चुका हूँ, 6-7 साल पढ़ाने के बाद मैं उठ चुका हूँ इन सब मोहमाया से ऊपर। पहले थी मेरे को एक कि भाई मैं बच्चों को बताता था कि भाई इसने ये किया, इसके पेपर में मेरे पढ़ाए से इतने नंबर आए, इतने क्वेश्चन आए, अब नहीं है, अब बस इतना है कि आपको सत्य पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो सही जगह, ठीक है, अब पढ़ोगे तो खुद कुछ करोगे, नहीं पढ़ोगे तो खुद कुछ भी नहीं करोगे, बस खुद ही पढ़ना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो? आज का मैं काम बस सिंपल सा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं भाई, ये क्वेश्चन आता है भाई, बांसुरी में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी जो है किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हो, जल्दी से बताइए इफ यू नो, ठीक है, बताओ। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज हम इसी लेवल पे इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे टॉपिक बनता है, टॉपिक में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी, ठीक है ना, सुरबहारा, ठीक है, सुरबहार, ठीक है, सुरबहार जो है अन्नपूर्णा देवी जी जो है सुरबहार, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, थोड़ा ऐसे समझ लो महिलाओं, बहुत दो ही महिलाओं के मैं नाम सुने, जिसमें से एक तो भैया जोड़े के साथ वायलिन बजा रही हैं, ठीक है, कि प्यार पूरा, ठीक है, सिरे चढ़ना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, दूसरा हमारे नाम में अन्नपूर्णा देवी जी आ गया, तो ये सुरबहारा, ठीक है, तो हमारे दिमाग में दो तीन नाम रहे, ये दो तीन नाम हमारे दिमाग में सेट है, ठीक है, दो तीन नाम हमारे दिमाग में सेट है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा, जो मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आज पढ़ाए हैं इनमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगा, बट ठीक है, आपको चीजें फायदे की लगेगी। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना, PDF में भेजता हूँ, 100% PDF भेजूंगा, जरूरी है, ठीक है। मैं आपको कल भी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, कल सुबह 9 बजे फिजिक्स का हम एक और लेवल पढ़ेंगे, कल हम 100% लेंस मिरर
ये सब पढ़ने वाले हैं, तो भैया जरूर देखना सुबह 9 बजे वाली क्लास, ठीक है? अपने ऊपर कृपा करो, पढ़ाई पे मेहनत करो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? शुभ रात्रि, पीडीएफ मैं भेजूंगा, ठीक है? अगर आप 9 बजे में भरोसा रखते हो तो गारंटी कह रहा हूँ, जीके जो मैं 9 बजे पढ़ाता हूँ और शाम को 7 बजे पढ़ाता हूँ, वो कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, बाकी ठीक है। क्योंकि मैं हर चीज खींच रहा हूँ भाई, इधर पता नहीं कितने चैप्टर मैंने खींचे हैं। मैं भी कभी कभी प्लेलिस्ट देख के हैरान होता हूँ। मैं पहले कहता था कि 100 चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैंने 115-20 कर दिए, ठीक है? अभी मैं 115-20 का 200 करने को तैयार हूँ, ठीक है? क्विज कराएंगे हम 10 बजे, आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ग्रुप डिस्कशन में जाके। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना। देखो सिलेक्शन इलेक्शन, ठीक है, दोनों चीजें, ठीक है, उनमें सही चुनाव होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए आप टेक्स्ट बुक को चुन सकते हो, और इलेक्शन के लिए आप अपनी इच्छा से चुन सकते हो, है ना? अमनदीप कोड यूज करो, ठीक है, कहीं तो सही चुनो। चलो क्या लाइन वाली, टेस्ट बुक ऐप पे जाओगे, जैसे आप गए ना, आप टेस्ट बुक ऐप पे गए तो आपको सिलेक्शन के लिए सही चुनना है। आप जाओ एसएससी में, सीएचएसएल बैच लो, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, परचेज करो। इसमें मैं ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ाऊंगा, बाकी टीचर्स भी सब पढ़ाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के। आपने अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अमनदीप कोड लगाना, सब कोड लगाते हैं, आप भी लगाएं तो ज्यादा बेटर। 450 रुपये में फीस आपकी इतनी कम है कि आप 450 में जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है जी? चलो, है ना, इसी बात पे हम करते हैं सेशन को एंड, ठीक है? और टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा अमन सर टेस्ट, ठीक है? क्लास खत्म हो गई है, क्लास खत्म हो गई। अब आप जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से। नाम सही लिखा है अमनदीप, है ना? क्लास खत्म हो गई है, ठीक है? सभी के सभी बताओ, आप में से किसी को कुछ बजाना आता है? सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। सितार, वायलिन, ठीक है, वीणा, ठीक है, किसी ने अपने स्कूल में जो बेंच होता था, बेंच पे ऐसे तक धिना दिन धन कराया, वो भी नहीं करा गया जीवन में, ठीक है? नहीं बजाते, चलो ठीक है ना? पढ़ाई कर लो, जीवन ना बजा दे, समझ रहे हो? ओके भाई, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। ओके भाई। Ha